प्राइम इटालिया चैनल से वड़ा सारियां दा बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर राजा हाजर हाँ। अज ने कुछ खास न्यूज़ लैके, कुछ अपडेट्स लैके। इस तो पहला कि आप वीडियो शुरू करिए, हमेशा की तरह जेकर तुसी हाले तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो। जो जिन्ह ने चैनल में पहले ही सबसक्राइब किया है उन्होंने सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो की नोटिफिकेशन दे नहीं बैल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर लो। इस दे नाल जदों भी असीं नवीं वीडियो अपलोड करते हैं वो नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच जाती है। तो हुण आपां शुरू करते हैं अज दीआं कुछ खास न्यूज़। सब तो पहला देखते हैं आपां इटली दे विच 24 घंटे के दौरान किन्ने केसिज आए हैं। 24 घंटे के दौरान इटली दे विच 6076 नवे केसिज आए हैं ते 60 जिहड़ियां डैथ हुई हैं। तो जेकर आपां टैसटां की गल करिए ते 266,246 स्वैब टैसट होए हैं। इंटेंसिव केयर से जनरल पार्ट से विच जिहड़ी हैगी आ इनफेक्शन दे केसिज नाल आ रहे मरीजों की गिनती वध रही है। सिसिलिया पहला रीजन है जिहड़ा कि येलो जोन की तरफ मुड़ गया है। तो सिसिलिया दे विच 30 अगस्त तो जिहड़ियां रिस्ट्रिक्शन शुरू हो रही हैं। इस तो बाद आप जो गल करिए वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन की जी ओबलीगातोरी हो रही है, जरूरी है, उसके बारे जी डिस्कशन चल रहा है वो कॉन्टीन्यू हाले तक चल रहा है। तो जेकर आप ग्रीन पास की गल करिए तो इटली के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा 1 सितंबर तो जो है ग्रीन पास जरूरी कर दिता जाएगा। ट्रेनस के एरोप्लेनस के शिप्स के भी ये जरूरी कर दिता जाएगा। मिड सितंबर तक 80% जी हैगी वैक्सीनेशन जी हैगी कर दी जाएगी। तो 80% तो भी बद जो इटालियन लोग है उन्होंने भी जो वैक्सीनेशन हैगी 30 सितंबर तक हो जाएगी। इस तो बाद अगली न्यूज़ आ रही है ग्रीन पास बारे। CDS जी हैगी उसने कहा है कि शुक्रवार को वो एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिक्वेस्ट से एक मीटिंग तय करेगी, जिस दे विच विचार किया जाएगा कि जिहड़ा ग्रीन पास हैगा आ ये 12 मंथ के लिए इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाए, जबकि हुण जिहड़ा ग्रीन पास हैगा आ 9 मंथ के लिए ही वैलिड है। तो इस तो बाद अगली न्यूज़ आ रही है कि इटली दे एक हॉस्पिटल के 12 पेशेंट्स अजिहे हैं जिन्हों की एज 32 तो लैके 68 के विचकार है, तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई तो उन्होंने जी सीरीयस हैगी कंडीशन हैगी बहुत सीरीयस है। इस दे उत्थे दे जिहड़े प्रेजिडेंट हैगे उन्होंने कहा है कि वो लोगों को कहते हैं कि वो आओ, वो कहते हैं कि हॉस्पिटल के आन तो इंटेंसिव केयर यूनिट के देखन कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई उन्होंने की हाल हो रहा है, तो वह वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि उन्होंने भी अजिही कंडीशन का सामना ना करना पवे। आप सिसिलिया की गल करिए तो सिसिलिया के पिछले 24 घंटे के दौरान 1,499 इन्फेक्शन से केसिज आए हैं। तो ये जो केसिज आए हैं 24 घंटे के दौरान आए हैं, तो इसलिए जो सिसिलिया है वो येलो जोन के जाने के लिए तैयार है। इस तो बाद अगली न्यूज़ आ रही है कि जिवें कि तुसीं जानते हो कि पूरा जो इटालियन है फिलहाल तो वाइट जोन के है। एटलीस्ट 3 जिहड़े रीजनस हैगे आ सिसिलिया, सरदानिया ते कलाबरिया जिहड़े येलो जोन के नैक्सट वीक के जा सकते हैं, क्योंकि जो नवा पैरीमीटर्स बने हैं जोड़े कि CDS द्वारा अप्रूवल है उन्होंने अकॉर्डिंग इंटेंसिव केयर के जो बैड्स हैगी उन्होंने गिनती वध गई है। तो इस जी तीनों रीजनस हैगे येलो जोन के जा रहे हैं, तो इस येलो जोन के जाने तो हो सकता है कि जी वापस मास्क तो आउटडोर के मास्क जोड़े है उन्होंने लिए जी ओबलीगेशन जरूरी कर दी जरूरी कर दते जा, हो सकता है कि नाइट करफ्यूज़ भी शुरू हो जाए। तो बाद जेकर आप गल करिए इज़राइल की, इज़राइल के फाइजर वैक्सीन की थर्ड डोज जी है 30 साल तो उत्ते वाले व्यक्तियों के लिए अज तो शुरू हो चुकी है। तो पिछले 24 घंटे के दौरान इज़राइल के 9,831 केसिज आए हैं। इस तो बाद अगली जी न्यूज़ आ रही है वो आ रही हैगी ओमान तो। कोरोना मामलों वधदे हुए बढ़ोतरी के चलते हुए भारत के नाल यात्रा से लगी रोक नूं ओमान ने मंगलवार को हटा लिता है। ओमान ने भारत के नाल कई होर विदेश तो आने वाले यात्रियों से लगी इस रोक नूं हटा लिता है। ओमान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक सर्कूलर जारी किया है करते हुए उन्होंने दस्या है कि 1 सितंबर तो ओमान के नागरिक रेजिडेंट वीज़ा होल्डरस के अराइवल ऑन वीज़ा के जिहड़ी सुविधा हैगी ओमान विच प्रवेश करने वाले लोगों लिए नई शर्तों के आधार पर वो देश विच प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए ओमान ने भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस, तंजानिया, सूडान, ब्राज़ील, ब्रिटेन, ट्यूनीशिया, लेबनान, इराक, ईरान, लीबिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इथोपिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना से लगी हुई रोक को हटा लिता है। इन देशों के नागरिक जब ओमान की यात्रा कर सकते हैं बशर्ते उन्हों को ओमान द्वारा मंजूर जी वैक्सीन हैगी उसका सबूत होना चाहिए है।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਓਮਾਨ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ QR ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ PCR ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PCR ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 96 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ PCR ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੁਬਈ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਲਾਈ ਦੁਬਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੁਬਈ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।